सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव में भामाशाह के सहयोग से नंदीश्वर श्रीकृष्ण गौशाला में गायों को 1250 किलो अनार और हरा चारा खिलाया गया। गौशाला के सचिव सोहनलाल गोमतीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गौशाला में भामाशाह का सहयोग बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि पिछले डेढ़ महीने से सभी व्यापार बंद होने के कारण भामाशाह भी इस समय आगे नहीं आ रहे हैं। इससे गौशाला में गायों के चारे पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। कोषाध्यक्ष नंदेश्वर जोशी ने बताया कि सरकार से मिलने वाला अनुदान जल्द आने वाला है। इस मौके पर कई भामाशाह मौजूद थे। गौशाला में जो भी ये कार्य होता है या जो भी ये चारा या अनाज जो दिया जाता है, ये भामाशाहों के द्वारा पैसे इकट्ठे करके दिया जाता है। अब रही बात इनकी अनार की, तो अनार की किसानों के अनार की इतनी मार झेल रहे हैं कि इनकी बिक नहीं रहा है। तो 45 और 50 रुपए के हिसाब से जो अनार बिकते थे, वो आज 4 रुपए और 3 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे। तो हमारा कोई वहाँ हमने कॉन्टेक्ट किया और हमने उनको पूछा कि आप क्या भाव दे रहे हो, तो उन्होंने बोला 4 रुपए। तो हमने उस 4 रुपए किलो पर केजी 4 रुपए का भाव, तब हमने लोगों से पैसे जमा करके, भामाशाहों ने पैसे जमा किए और हमने 700-800 किलो के करीब हमने ये 1500 1230 किलो अनार लेके आए और गायों को हमने दिया।